पंचकुला में एक सफल रोजगार मेला देखा गया जो 37 स्थानों पर आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की 11वीं किस्त का हिस्सा है। भारत सरकार के ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस अवसर पर पहुंचकर इसकी शोभा बढ़ाई और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। पंचकुला में रोजगार मेले ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजन और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में योगदान दिया। इसके साथ ही मंत्री जी ने नव नियुक्ति कर्मचारियों को बधाई भी दी और माना कि उनकी नियुक्ति से देश भर के परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंचकुला में रोजगार मेला की पहल अवसर प्रदान करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए सरकार के समर्पण को मजबूत करता है। और कहेंगे कि आज विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने कि सरकार ने संकल्प लिया है कि 2047 में जन भागीदारी से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी की सरकार दृढ़ संकल्प है उसका, और आज उसी के लिए यात्रा गांव गांव जा रही है, शहर शहर जा रही है। और मोदी सरकार ने जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको सशक्त करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए, मतलब 100% सैचुरेशन, हर आदमी को उस योजना का लाभ मिले जो पात्र है, ये तय किया है। उसके लिए ये जो हमारी जो विकसित संकल्प यात्रा है ये गांव गांव जा रही है, वास्ते उसकी मोदी जी ने आज सबको वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। डाटा क्या है और क्या विजन रहने वाला आगे आने वाले टाइम में नौजवानों के लिए? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों से 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, और आज 11वें अंक में 51,000 नौजवानों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र आयोग को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने सबको देने का कार्य। इससे पहले भी 28 अगस्त को 51,000 नौजवानों को इसी तरह नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया था उसको 100% पूरा करने की तरफ आगे तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन कर सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने तेज करोड़ों नौजवानों को पिछले 9 साल में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के रोजगार देने का काम। तो नौजवानों को रोजगार देना हो, उनके हाथ में स्किल देना हो, उनका उनके लिए स्टार्टअप हो, देखिए स्टार्टअप की योजना 200 स्टार्टअप होते थे 2014 से पहले, आज 1,25,000 स्टार्टअप। नौजवानों को स्वरोजगार के लिए सिर्फ रोजगार देने का काम नहीं, नौजवानों को इस तरह स्किल करना कि वो और लोगों को रोजगार दे सके, इसके लिए उन्होंने मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, ये सब योजनाएं मोदी जी ने नौजवानों को मजबूत करने के लिए, स्वावलंबी करने के लिए, रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए। आज पंचकुला में कितने नौजवानों को? आज पंचकुला में 170 नौजवानों को विभिन्न विभागों में आज नियुक्ति पत्र आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिए गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।